Hello everyone, this is one short video of security aspects chapter 11 from QS syllabus section B2, right? So let us start with the first term, virus. Virus kya hota hai? The term computer virus was coined by the Fred Cohen in 1985. Computer virus jo naam aaya wo kisne diya tha? Fred Cohen ne diya tha 1985 mein, okay? And has been borrowed from biological science with almost similar meaning and behavior. Aur ye naam unhone kahan se liya tha? Unhone biological science se liya था, ओके okay? और वहां से किस चीज से सिमिलर करता था? ये बायोलॉजिकल वायरस से सिमिलर करता था, ओके। द ओनली डिफरेंस इज दैट विक्टिम इज अ कंप्यूटर सिस्टम एंड द वायरस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब यहां पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहां पे विक्टिम ह्यूमन बीइंग नहीं है। बायोलॉजिकल वायरस क्या करता है? ह्यूमन बींग पर या एनिमल्स पर अटैक करता है, बट कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता है। और ये क्या होता है कंप्यूटर वायरस? इट इज़ अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वर्किंग क्या होती है? मेलिशियस होती है, संदिग्ध होती है। संदिग्ध मीन्स वो हार्मफुल वर्किंग करता है, राइट? Now a virus is a piece of software code created to perform malicious activities. तो virus एक ऐसा software code है, right? जिसको create किया गया है malicious activities करने के लिए and hamper resources of computer systems like CPU time और computer system के resources को उनके functioning को रोकने के लिए, उनकी functioning में रुकावट लाने के लिए, सीपीयू टाइम इंटरप्ट करने के लिए, मेमोरी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, पर्सनल फाइल्स को करप्ट करने के लिए और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए या स्टील करने के लिए, ओके। अ वायरस इज अ प्रोग्राम डेट कॉपीज इट्सेल्फ। वायरस क्या होता है? अपने आप की कॉपीज बनाता रहता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है, रेप्लीकेशन करता रहता है, गेट्स अटैच टू अदर फाइल्स। और कॉपीज बना बना के क्या करता है? दूसरी फाइल्स के साथ अटैच होता रहता है एंड इन्फेक्ट्स अ पीसी और किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली इन्फेक्ट कर देता है, स्प्रेडिंग फ्रॉम वन फाइल टू द अनदर। उसकी सारी फाइल्स को करप्ट कर देता है एंड देन फ्रॉम वन पीसी टू द अनदर व्हेन द फाइल्स आर कॉपीड और शेयर। अगर इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी फाइल कोई दूसरा सिस्टम यूज करता है, कोई दूसरा कंप्यूटर सिस्टम या कोई दूसरा डिवाइस यूज करता है, तो क्या होता है? वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, राइट? नो, वायरसेस बिहेव डिफरेंटली। अब वायरस जो अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं और सबका बिहेवियर डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन और मोटिवेशन बिहाइंड देयर क्रिएशन। तो जिस तरीके जिस रीजन के लिए उनको बनाया गया है वो वैसा ही बिहेव करते हैं, ओके। सम ऑफ द, अब यहाँ पे देखो वायरस खुद से नहीं बने, इनको बनाया गया है, इनकी कोडिंग करके इनको बनाया गया, राइट? Some of the most common intention or motives behind viruses include stealing passwords or data. तो वायरस किस लिए क्रिएट किए जाते हैं? उनका जो मोस्ट कॉमन मोटिव है वो क्या है? पासवर्ड को स्टील करना, डेटा को स्टील करना, फाइल्स को करप्ट करना, ओके, स्पैमिंग द यूजर्स ईमेल कॉन्टैक्ट्स, यूजर के जो ईमेल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भर देना स्पैम मेल से, ओके, एंड इवन टेकिंग कंट्रोल ऑफ द यूजर्स मशीन और किसी और पर्सन की मशीन का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, फाइन। सम वेल नोन वायरसेस इंक्लूड क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू। तो यहाँ पे क्या है, वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल्स है, माई डूम, सेसर, नेट स्काई, स्लैमर, स्टक्स नेट एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पे वायरसेस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव वॉर्म्स। वॉर्म इज ऑल्सो अ मालवेयर। वॉर्म क्या है? एक मालवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है डेट इनकर्स अनएक्सपेक्टेड और डैमेजिंग बिहेवियर ऑन एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। जब ये किसी कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है तो उस कंप्यूटर सिस्टम का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, राइट? वो कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो जाता है, राइट? उसकी फाइल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके वर्किंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वॉर्म एंड अ वायरस डैट अनलाइक अ वायरस, अ वॉर्म डज नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू इंसर्ट इट्स कोड इन टू। अब यहाँ पर बताया गया है कि वॉर्म और वायरस में डिफरेंस होता है। वायरस क्या होता है? वायरस वो फाइल है जो वायरस वो प्रोग्राम है जिसको एक फाइल की जरूरत होती है, एक होस्ट की जरूरत होती है, राइट, जिससे वो अटैच होकर काम करता है, ओके। ऑल्दो वॉर्म क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिविजुअली वर्क करता है, उसे किसी भी फाइल या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है टू वर्क, राइट। वॉर्म्स आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम डेट आर कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन इट्स ओन। वॉर्म खुद से अपना काम करते हैं, वो अपनी रेप्लीकेशन करते रहते हैं और फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, फाइन। ऑल्सो वायरस नीड्स ह्यूमन ट्रिगरिंग फॉर रेप्लीकेशन। वायरस कब ट्रिगर होता है, कब एक्टिवेट होता है? जब ह्यूमन कोई भी यूजर क्या करता है, उस फाइल को ओपन करता है या एग्जीक्यूट करता है जिसमें वायरस अटैच है, राइट?
जब तक वो फाइल ओपन नहीं होती, राइट, तब तक क्या होता है, वायरस डीएक्टिवेट फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करता है. वो कब वर्क करेगा? जब उस फाइल को ओपन किया जाएगा या उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट. व्हाइल अ वर्म रेप्लिकेट्स ऑन इट्स ओन एंड कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क. लेकिन वायरस क्या करता है, अपनी रेप्लिकास बनाता रहता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है. और अगर इन्फेक्टेड सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है, ओके, विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क, तो वो क्या करेगा, नेटवर्क के थ्रू जाकर दूसरे सिस्टम को भी कर देगा, राइट. सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ वॉर्म्स इंक्लूड स्टॉर्म वॉर्म. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वॉर्म के. स्टॉर्म वॉर्म, सो बिग, एमएस ब्लास्ट, कोड रेड, निम्डा, मॉरिस वॉर्म एसेट्रा. ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रोजन हॉर्स. अ ट्रोजन इज अ मालवेयर. ट्रोजन क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, डेट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह लगता है, एक लीगल सॉफ्टवेयर की तरह लगता है. एंड वंस इट ट्रिक्स अ यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट, इट एक्ट्स प्रेटी मच लाइक अ वायरस और वॉर्म. और जब यूजर क्या करता है, इसको एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर समझ के इंस्टॉल कर लेता है, तब ये लाइक अ वायरस, ये वायरस या वॉर्म की तरह वर्क करता है. ओके, A Trojan may look like a perfectly legitimate email that may even appear to be from a friend or a colleague, right? तो Trojan horse क्या एक बहुत ही चलाक malicious software है, ये आपके पास आएगा email की form में या किसी link की form में, right? और आपको लगेगा कि ये आपके किसी friend या colleague की तरफ से आपके पास ये email आया है, right? If a photograph, photograph की form में आ सकता है, sound file, sound file की form में आ सकता है, even a game, game की form में आ सकता है. तो Trojan horse क्या है, वो virus है, वो वर्म्स है जो अपने आप को हाइड करके रखते हैं. ओके, व्हेन द यूजर ट्राइज टू ओपन द फाइल इट गेट्स एक्टिवेटेड. तो जब यूजर क्या करते हैं, ऐसी फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है, ट्रोजन हॉर्स एक्टिवेट हो जाता है. फाइन, जैसे आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन गेम्स डाउनलोड करते हो, राइट. अगर आप क्या करते हो, लेजिटिमेट साइट से उनको डाउनलोड नहीं करते हो, तो उनके साथ ट्रोजन हॉर्स वायरस भी आ जाता है. Trojan or Trojan horses are the malicious code, right? Trojan horses क्या है, malicious code है which causes loss or even theft of data. तो ये क्या करता है, आपके data को चुराता है, right? When a Trojan horse is activated, it may access certain files. जब ये आपके system में आ जाता है, activate हो जाता है, तो ये आपकी files को access करता है, folders और even the entire system. और आपके folders को access करता है, इनफैक्ट वो आपके पूरे system को access कर लेता है, राइट. इट कैन स्टील अ विक्टिम्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड फॉरवर्ड इट टू अनदर लोकेशन. वो क्या कर सकता है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करके, चुरा कर, वो नेटवर्क के थ्रू कहीं और सेंड कर सकता है, राइट. द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ ट्रोजन इज दैट ट्रोजन डू नॉट रेप्लीकेट देमसेल्फ. अब एक डिफरेंस वायरस और ट्रोजन में क्या है, ट्रोजन अपने आप को रेप्लीकेट नहीं करते, अपनी कॉपीज नहीं बनाते हैं. दे हैव टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अ सिस्टम अननोइंगली. ये क्या होते हैं, सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाते हैं अननोइंगली, बिना किसी जानकारी के. फाइन, जैसे मैंने अभी बताया, आपने कुछ कोई सॉन्ग डाउनलोड किया या फोटोग्राफ डाउनलोड की, या फिर आपके पास कोई मेल आया तो आपने उस पर क्लिक कर लिया, राइट. तो इनके थ्रू ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, राइट. रॉड एप्पल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल विद डबल एक्सटेंशन लाइक रीड मी डॉट टी एस टी डॉट ई एस टी आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताए गए, एक तो क्या है, रॉड एप्पल है, ट्रोजन हॉर्स का नेम है. फाइन, और ऐसी कोई फाइल जिसमें दो एक्सटेंशन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दी गई है रीड मी डॉट टी एस टी डॉट ई एस टी. तो ये फाइल्स क्या होती है, ट्रोजन हॉर्स फाइल्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्पैम. द टर्म स्पैम रेफर्स ब्रॉडली टू अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स. स्पैम टर्म दिया गया है अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल को, जो बल्क में ईमेल्स आपके पास आ जाते हैं. अनसॉलिसिटेड क्या होता है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, राइट. जो फालतू में आपके पास आए जा रहे हैं, यू डोंट नीड देम, राइट. तो जो बल्क में ईमेल आते हैं उनको आप स्पैम कहते हो, राइट. और जंक ईमेल, उनको आप जंक ईमेल्स भी कहते हैं, विच कैन बी आइदर कमर्शियल. ये जो ईमेल्स आते हैं वो कमर्शियल्स भी हो सकते हैं, सच एज एन एडवर्टाइजमेंट, जैसे किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट, और नॉन कमर्शियल भी हो सकते हैं, लाइक अ जोक और चेन लेटर, राइट. ओके, स्पैम इज फ्लडिंग द इंटरनेट विद मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज. स्पैम क्या है, इंटरनेट को भर देना है, ओके, मल्टीपल कॉपीज से, एक ही मैसेज की मल्टीपल कॉपीज से इंटरनेट को भर देना, राइट. इन एन अटेम्प्ट टू फोर्स द मैसेज ऑन पीपल Who would not otherwise choose to receive it. और यहाँ पे इनकी कोशिश क्या होती है, लोगों को जबरदस्ती मैसेज भेजते रहना, ओके, जबकि लोग नहीं चाहते हैं कि वो मैसेज उन तक आए.
राइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग स्पैम इज कॉल्ड स्पैमिंग. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पैमिंग. आजकल क्या होता है, जो ईमेल आपके अकाउंट्स होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, ऐसे ईमेल्स को एक अलग फोल्डर में वो डाल देते हैं, उसको नेम दिया हुआ है उन्होंने स्पैम. फाइन, नाउ वी हैव कुकीज. अ कंप्यूटर कुकी इज अ स्मॉल फाइल और डेटा पैकेट विच इज स्टोर्ड बाय अ वेबसाइट ऑन द क्लाइंट्स कंप्यूटर. तो कंप्यूटर कुकी क्या है, छोटी सी फाइल है या एक छोटा सा डेटा का पैकेट है जो वेबसाइट द्वारा आपके सिस्टम पे स्टोर कर दिया जाता है. जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, वो वेबसाइट क्या करती है, आपके सिस्टम में कुकी को स्टोर कर देती है. राइट, और क्यों करती है, कुकीज आर यूज बाय द वेबसाइट टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूजर. कुकीज बेसिकली इसलिए स्टोर करती है पर्टिकुलर वेबसाइट, जिससे वो आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को जान सके, ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन को जान सके, वो ये समझ सके कि जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो आप कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हो, राइट, और आप वहां पे क्या क्या वर्क करते हो. फॉर एग्जाम्पल, वाइल गोइंग थ्रू एन ई कॉमर्स वेबसाइट, व्हेन अ यूजर एड्स आइटम टू द कार्ट, द वेबसाइट यूजली यूजेस कुकीज टू रिकॉर्ड द आइटम्स इन द कार्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जब आप ई कॉमर्स करते हो, आप किसी वेबसाइट के थ्रू कुछ भी सामान ले रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके आइटम्स कार्ट में जुड़ते जाते हैं. जैसे आप मीशो से लेते हो या जो भी वेबसाइट्स हैं उनसे लेते हो, तो यहाँ पे क्या है, द वेबसाइट यूजली यूज द कुकीज, यहाँ पे वेबसाइट कुकीज का यूज करती है आपके आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ओके, उनका डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, कि क्या क्या आइटम्स आपने पहले लिए थे, क्या क्या आइटम्स आप अब ले रहे हो, लाइक दिस. A cookie can also be used to store other user-centric information. Cookies का दूसरी information को store करने के लिए भी use किया जा सकता है, like login credentials. आपके login credentials means आपका email ID या password को store करने के लिए. Language preference, आप कौन सी language में websites visit करते हो, आप कौन सी language में web data access करते हो. Search queries, आपकी search queries क्या होती है, किससे related होती है. Recently viewed web pages, आपने recently कौन से web pages को view किया है. Music choice, आपका जो आप अगर सॉन्ग सुनते हो तो किस तरीके के सुनते हो. फेवरेट क्यूजीन, आपका फेवरेट क्यूजीन क्या है. डेट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द यूजर एक्सपीरियंस, जिससे क्या होता है, वेबसाइट को पता चलता है कि आपको किस तरीके का डेटा पहुंचाना है. एंड मेकिंग ब्राउजिंग टाइम मोर प्रोडक्टिव, जिससे कि आपका ब्राउजिंग टाइम बहुत और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं यूट्यूब का. यूट्यूब में अगर आप देखोगे, आप जिस तरीके की वीडियो देखते हो वैसे ही वीडियोज आपके पास आने लग जाएंगे. अगर आप अकेडमिक वीडियोज देखते हो, आपके पास अकेडमिक वीडियोज आने लग जाएंगी. फाइन, अगर आप कॉमेडी वीडियोज देखते हो, आपके पास कॉमेडी वीडियोज आने लग जाएंगी. तो ये किसकी हेल्प से होता है, कुकीज की हेल्प से होता है. राइट, डिपेंडिंग अपॉन देयर टास्क देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज. तो यहाँ पे टास्क के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स की कुकीज होती हैं. सेशन कुकीज कीप ट्रैक ऑफ द करंट सेशन एंड इवन टर्मिनेट द सेशन व्हेन देयर इज अ टाइम आउट. तो सेशन कुकीज होती है, एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ही क्रिएट होती है. जैसे ही वो सेशन टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ, वो कुकीज भी क्या होती है, डिलीट हो जाती है. राइट, सेशन कुकीज मतलब आपने एक वेब पेज को विजिट किया, उस पर काम किया, और जैसे ही आप उस वेब पेज को आपने लॉग आउट कर दिया, तो वहां पे सेशन कुकीज क्या होंगी, डिलीट हो जाएंगी. राइट, सो इफ यू यहाँ पे सेशन कुकीज का बैंकिंग वेबसाइट यूज करता है, इफ यू एक्सीडेंटली लेफ्ट योर ई बैंकिंग पेज ओपन, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर द टाइम आउट. अगर आपने अपना ई बैंकिंग पेज ओपन रखा है, तो सेशन कुकीज क्या होंगी, वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो डिलीट हो जाएंगी, और आपका अपने आप जो आपका पेज है वो क्लोज हो जाएगा. ओके, नाउ सिमिलरली ऑथेंटिकेशन कुकीज आर यूज्ड बाय वेबसाइट टू चेक इफ द यूजर इज प्रीवियसली लॉग्ड इन. राइट, तो ऑथेंटिकेशन कुकीज कौन सी होती है, वो ये चेक करते हैं कि यूजर ने पहले भी लॉग इन किया था कि नहीं किया था. राइट, ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है. दिस वे यू डोंट नीड टू लॉग इन अगेन एंड अगेन वाइल विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स और लिंक्स ऑफ द सेम वेबसाइट्स. अगर मान लो आपने एक वेबसाइट को विजिट किया, आपने एक बार लॉग इन किया, तो आप अगेन अगेन उसको लॉग इन कर सकते हो. ओके, आपको बार बार अपना आईडी अपना पासवर्ड उसमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है. राइट, बिकॉज आपका आईडी और पासवर्ड कहीं जाके सेव हो गया, कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन कुकीज के पास. ओके, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट DOB एक्सेट्रा ऑटोमेटिकली फिल्स अप वाइल फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म. अब आपने ये भी देखा होगा बच्चों ने कि ऑनलाइन फॉर्म्स तो फिल करते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हो तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाती हैं. क्यों, अगर आपने एक बार फिल की तो दोबारा भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएंगी. दिस ऑटो फिल फीचर इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाई वेबसाइट्स यूजिंग कुकीज. तो यहाँ पे वेबसाइट्स क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं कुकीज में. अगर आप दोबारा उस वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो उसने कुकीज में स्टोर की है वो आ जाएगी, आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर ड्यू टू कुकीज, अब कुकीज से आप
आपके लिए कुछ खतरा भी है. क्या है? यूजली कुकीज आर यूज फॉर एनहेंसिंग द यूजर्स ब्राउजिंग एक्सपीरियंस. बेसिकली इसका यूज किस लिए किया जाता है? यूजर के ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए. एंड डू नॉट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर विद मालवेयर, और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए नहीं. राइट? हाउएवर सम मालवेयर माइट डिसगाइज एज कुकीज. लेकिन कुछ मालवेयर क्या करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो कुकीज की फॉर्म में आपको बेवकूफ बनाते हैं. ओके? वो मालवेयर कौन होते हैं? सुपर कुकीज होते हैं. देयर इज अनदर टाइप ऑफ कुकी नोन एज ज़ॉम्बी कुकी दैट गेट्स रिक्रिएटेड आफ्टर बीइंग डिलीटेड. और अगर एक तरीके की कुकी क्या होती है, ज़ॉम्बी कुकी होती है, वो क्या करती है, आप चाहे कितनी बार उसको डिलीट कर लो, वो अपने आप को रिक्रिएट कर लेगी. फाइन? तो वो कैसे वर्क करेगी? एज अ मालवेयर वर्क करेगी ज़ॉम्बी कुकी. ओके? सम थर्ड पार्टी कुकीज माइट शेयर यूजर डेटा विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूजर फॉर एडवर्टाइजिंग और ट्रैकिंग पर्पज. तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी कुछ ऐसी कुकीज हैं जो इंस्टॉल हो गई हैं बाई चांस आपके सिस्टम पे, वो क्या करेंगे, आपका डेटा शेयर कर देंगे बिना आपकी कंसेंट के. ओके? फॉर एडवर्टाइजिंग के लिए या ट्रैकिंग पर्पज के लिए. ओके? एज अ कॉमन एग्जाम्पल, इफ यू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर आइटम यूजिंग योर सर्च इंजन, अ थर्ड पार्टी कुकी विल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट शोइंग सिमिलर आइटम्स ऑन योर वेबसाइट्स. तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप किसी आइटम को सर्च कर रहे हैं, ओके, अपने सर्च इंजन को यूज करके, तो थर्ड पार्टी कुकी क्या करेगी, उसी सर्च से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपके सिस्टम पर आपको शो करेगी. राइट? और अदरवाइज तो यहाँ पे हो सकता है आप किसी ऐसी वेबसाइट पे क्लिक कर दे जो कि लेजिटिमेट ना हो, ऑथेंटिकेट ना हो. फाइन? जो फेक वेबसाइट हो. So one should be careful while granting permission to any website to create and store cookies on the user computer. तो सबको ये careful रहना चाहिए कि जब वो किसी website पे work कर रहे हैं तो वो cookies के लिए permission दें या ना दें. Fine? Okay? Next is adware. An adware is a malware that is created to generate revenue for its developer. Adware एक malware है, एक malicious software है जिसको create किया गया है उसके developer के लिए revenue generate करने के लिए. ठीक है? Revenue क्या होता है? Income generate करने के लिए. Fine? An adware displays online advertisement using pop-ups. Adware क्या करते हैं? Online जब आप किसी website को visit करते हो तो आपने देखा होगा एकदम से pop-ups आ जाते हैं. Pop-ups होते हैं, एक छोटी सी screen आ जाती है advertisement की. Okay? Web पेजेस और इंस्टॉलेशन स्क्रीन्स. राइट? तो यहाँ पे क्या करे, एडवे करता, क्या डिस्प्ले करता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करता है, वेब पेजेस डिस्प्ले करता है, स्क्रीन्स डिस्प्ले करता है. वंस एन एडवेयर हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जब एडवेयर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, इट जनरेट्स रेवेन्यू. तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, आइदर वे डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट, या तो वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करके रेवेन्यू जनरेट करता है, और यूजिंग पे पर क्लिक मैकेनिज्म. ओके? या फिर पे पर क्लिक, जब जितना आप क्लिक करोगे किसी वेबसाइट पे या किसी एडवर्टाइजमेंट पे, उतना ही रेवेन्यू क्रिएट होता रहेगा. मैकेनिज्म टू चार्ज इट्स क्लाइंट अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन देयर डिस्प्लेड एड्स. तो जितना क्लिक होंगे एड, उतना ही रेवेन्यू क्रिएट होता रहेगा. तो एडवेयर यहाँ पे क्या करता है, पॉपअप्स, एड के पॉपअप्स आपको सेंड करता रहेगा, आप जितना उस पर क्लिक करोगे उतना ही उनका उनकी इनकम जनरेट होती रहेगी. फाइन? एडवेयर इज यूजली अनोइंग बट हार्मलेस. ये अनॉय तो करता है, आपको तंग तो करता है, लेकिन इससे आपको कोई हार्म नहीं है. हाउ एवर इट ऑफन पेस वे फॉर अदर मालवेयर बाई डिस्प्लेइंग अनसेफ लिंक्स एज एडवर्टाइजमेंट. लेकिन ये आपके लिए रास्ता खोल देता है कि अगर मान लो आपने किसी एड पर क्लिक किया, लेकिन उस एड में क्या है, उस एड में मालवेयर है, तो क्या होगा, वो मालवेयर आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा. राइट? तो यहाँ पे ये क्या है, आपके लिए सेफ नहीं है एडवेयर. ओके? Next we have the firewall. Computer firewall is a network security system. Computer firewall kya hai? Ek network security system hai designed to protect a trusted private network from unauthorized access or traffic organization from an untrusted outside network. To isko kis liye create kiya gaya hai? Aapke trusted private network ko, aapke private network ko protect karne ke liye from the outside network. Outside network aapka kuch bhi ho sakta hai. Right? Dekho yahan पे डिजाइन टू प्रोटेक्ट ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क, ये आपका ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क है, फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और ट्रैफिक ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एन अनट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क. ठीक है? ये आपका आउटसाइड नेटवर्क है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, दैट इज द इंटरनेट और डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्मॉल नेटवर्क. तो आउटसाइड नेटवर्क आपका इंटरनेट भी हो सकता है, आपका मेन नेटवर्क भी हो सकता है. ओके? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और कुछ अदर नेटवर्क भी हो सकता है टू विच इट इज कनेक्टेड, जिससे आपका पर्सनल या आपका प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड है.
राइट, फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और बोथ. फायरवॉल को आप एज अ सॉफ्टवेयर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एज अ हार्डवेयर भी आप उसको यूज कर सकते हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ओके, अ मालवेयर लाइक वॉर्म हैज द कैपेबिलिटी टू मूव अक्रॉस द नेटवर्क. मालवेयर वॉर्म क्या होता है, एक ऐसा मालवेयर होता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने की, एंड इनफेक्ट द कंप्यूटर्स, राइट. तो उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम पे आ जाएगा. आपने वेब पेजेस को एक्सेस किया, आपके सिस्टम पे मालवेयर वो वॉर्म आ जाएगा. फाइन, द फायरवॉल एक्ट्स एज द फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट द मालवेयर. लेकिन यहाँ पे फायरवॉल क्या करता है, एक दीवार की तरह, एक बैरियर की तरह खड़ा रहता है, राइट, बिटवीन द इंटरनल नेटवर्क एंड द आउटसाइड नेटवर्क, जिससे कि वो मालवेयर को एंटर ना करने दे इंटरनल नेटवर्क में, राइट. अ फायरवॉल एक्ट्स एज अ नेटवर्क फिल्टर. यहाँ पे फायरवॉल नेटवर्क फिल्टर की तरह, एक फिल्टर की तरह काम करता है, एंड बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स. और जो उसके अंदर रूल्स आपने, जो उसके अंदर रूल्स की कोडिंग की गई है, ठीक है, उसके बेसिस पर इट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक. वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है, देखता है इनकमिंग ट्रैफिक को, जो ट्रैफिक अंदर आ रहा है और जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है. फाइन, दोनों ट्रैफिक के ऊपर वो कंप्लीटली वॉच रखता है, और जो डेटा बाहर से आ रहा है उसको फिल्टर करने के बाद ही वो इंटरनल नेटवर्क तक पहुंचाता है. ओके, टाइप्स ऑफ फायरवॉल. फर्स्ट वी हैव द नेटवर्क फायरवॉल. इफ द फायरवॉल इज प्लेस्ड बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स एंड मॉनिटर्स द नेटवर्क ट्रैफिक. अगर फायरवॉल क्या है, ये आपका फायरवॉल है और ये क्या कर रहा है, नेटवर्क के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है. मान लो यहाँ पे आपका एक नेटवर्क है जिसमें आपके मान लो 100 है डिवाइसेस, और यहाँ पे आपका सेकेंड नेटवर्क है या थर्ड नेटवर्क है जिसके अंदर 200 डिवाइसेस हैं. तो इनके बीच में, नेटवर्क के बीच में फायरवॉल लगा हुआ है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है. ओके, जो ट्रैफिक आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहा है, फाइन, उसको ये मॉनिटर कर रहा है. तो इस टाइप के फायरवॉल को क्या कहा जाएगा, नेटवर्क फायरवॉल. ओके, नाउ होस्ट बेस्ड फायरवॉल. इफ द फायरवॉल इज प्लेस्ड ऑन द कंप्यूटर एंड मॉनिटर्स द नेटवर्क ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम दैट कंप्यूटर. अगर आपने क्या सिंपली क्या किया है, एक कंप्यूटर में फायरवॉल को इंस्टॉल किया है, और यहाँ पे इसका काम क्या है, सिर्फ जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है और जो कंप्यूटर के पास डेटा आ रहा है उसको ये फिल्टर कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है. तो यहाँ पे इस टाइप का फायरवॉल क्या हो गया, होस्ट बेस्ड फायरवॉल, राइट. Here we have difference between HTTP and HTTPS protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol and HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. Okay, both the HTTP and its variant HTTPS are set of rules that govern how data can be transmitted over the World Wide Web. So HTTP and HTTPS क्या है, protocols हैं, set of rules हैं जो बताते हैं कि World Wide Web में data कैसे travel करेगा, एक device से दूसरे device तक जाने के लिए वो कैसे ट्रांसमिट करेगा. ओके, इन अदर वर्ड्स दे प्रोवाइड रूल्स फॉर द क्लाइंट वेब ब्राउजर एंड द सर्वर्स टू कम्युनिकेट. तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स रूल्स बताते हैं कि कैसे क्लाइंट वेब ब्राउजर और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, किन रूल्स को फॉलो करके ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे. ओके, HTTP सेंड्स इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क एज इट इज. HTTP प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को एज इट इज ट्रांसमिट करता है थ्रू द नेटवर्क, राइट, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. इट डज नॉट स्क्रैम्बल द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड. ये डेटा में कोई भी चेंज नहीं करता, उसको बिल्कुल भी स्क्रैम्बल नहीं करता, कोई छेड़खानी नहीं करता, लिविंग इट वल्नरेबल टू अटैक फ्रॉम द हैकर्स. इससे क्या होता है, वो इजिली अटैक किए जा सकते हैं हैकर्स के द्वारा, राइट. Hence, HTTP is sufficient for the website with public information sharing like news portals, blogs, etc. तो HTTP के थ्रू वो डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए जो अगर हैक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी, राइट, वो क्रूशियल डेटा ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ना हो. तो ये जो HTTP के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है वो मोस्टली क्या होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक न्यूज पोर्टल्स हो गया, ब्लॉग्स एसेट्रा, राइट. However, when it comes to dealing with the personal information, banking credentials and password, we need to communicate data more securely over the network using HTTPS. लेकिन जब बात होती है आपकी personal information को transmit करने की from one device to another, आपकी banking information को, आपकी banking documents को transmit करने की, right? एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक योर पासवर्ड्स, राइट, तो यहाँ पे डेटा अगर ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, राइट, तो वो बहुत ही सिक्योर वे में ट्रांसमिट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर.
राइट HTTPS. नाउ HTTPS एनक्रिप्ट द डेटा. अब यहाँ पे जो HTTPS है वो सिक्योर क्यों है, ये क्या करता है, इट एनक्रिप्ट द डेटा बिफोर ट्रांसमिशन. ये डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसमिशन से पहले. एट द रिसीवर एंड इट डिक्रिप्ट टू रिकवर द ओरिजिनल डेटा. और जब डिवाइस रिसीवर के पास डेटा जाता है तो रिसीवर क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट कर लेता है, उसको ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर लेता है. राइट. The HTTPS based websites require SSL digital certificate. तो जो websites HTTPS protocol को use करती हैं उनके लिए ये requirement है कि उनके पास secure socket layer digital certificate होना चाहिए, तभी वो HTTPS protocol को use कर सकती हैं. Okay? Hackers and crackers. Hackers and crackers are people having a thorough knowledge of the computer system software, computer networks and programming. Hackers and crackers वो लोग हैं जिनको computer system की, operating system की, computer network की, programming की thorough knowledge होती है, deep knowledge होती है. Right? They use this knowledge to find the loopholes and weaknesses in computer systems. वो इस knowledge का use करते हैं computer system में, computer network में loopholes निकालने के लिए, कमियाँ निकालने के लिए, उनकी weaknesses को जानने के लिए. एंड गेन एक्सेस टू अनऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन, जिससे कि वो अनऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें. फाइन, वो इंफॉर्मेशन जो उनके लिए ऑथोराइज नहीं है, वो जो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए. ओके. In simple terms, a hacker is a person that is skilled enough. Hacker क्या है, वो person है जो बहुत ज़्यादा knowledgeable है to hack or take control of computer system, जो किसी का भी computer system hack कर सकता है, उसका control अपने under में ले सकता है. Depending on the intent, there are different types of hackers. तो hackers की intent के according उनको different categories में डाला गया है, white hats और ethical hackers, black hats और crackers and grey hats, right? So first we have the white hat or ethical hacker. सबसे पहले हमारे पास है white hat or ethical hacker. If a hacker uses its knowledge to find and help in fixing the security flaws in the system, it is termed as white hat hacker. अगर hacker अपनी knowledge का use करता है किसी भी system की security में जो flaws हैं, जो कमियाँ हैं, उनको find out करने के लिए और fix करने के लिए, तो इस तरीके के hacker को कहा जाता है white hat hacker. ओके. दीज आर द हैकर्स विद गुड इंटेंशंस. ऐसे हैकर्स की इंटेंशंस गुड होती हैं, उनका मोटिव गुड होता है, सही होता है. दे आर एक्चुअली सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स. वो कंपनीज में अपॉइंट किए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिससे कि कंपनी का डेटा कहीं पर भी स्टील ना हो. राइट. उसको कोई अटैक ना कर सके, मालवेयर या वायरस. राइट. Organizations hire ethical or white hat hackers to check and fix their systems for potential security threats and loopholes. Organizations क्या करती है, white hat hackers को अपने अपनी companies में उनको appoint करती हैं, जिससे कि उनकी उनका data है वो secure रहे. right? जो उनके लिए threats हैं, loopholes हैं जो उनके system में, वो remove किए जा सकें. fine? Technically white hat works against black hats. तो जो white hat हैकर्स हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उनके अपोजिट वर्क करते हैं. ओके. नाउ वी हैव द ब्लैक हैट्स और क्रैकर्स. ब्लैक हैट्स को क्रैकर्स भी कहा जाता है. इफ हैकर्स यूज देयर नॉलेज अनएथिकली टू ब्रेक द लॉ एंड डिसरप्ट सिक्योरिटी. अगर हैकर्स अपनी नॉलेज का यूज करते हैं किसी भी अनएथिकल यूज करते हैं, ओके, लॉ को ब्रेक करने के लिए, राइट, और एंड डिसरप्ट सिक्योरिटी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को डिसरप्ट करने के लिए बाय एक्सप्लॉइटिंग द फ्लोज एंड लूपहोल्स इन द सिस्टम. कैसे, उनके सिस्टम की कमियां जानकर. राइट. देन दे आर कॉल्ड एज ब्लैक हैट हैकर्स. तो इनको ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है. तो बेसिकली ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जिनकी इंटेंशन सही नहीं होती. ओके. वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को स्टील करने के पर्पज से या उनको हार्म पहुंचाने के पर्पज से उनकी सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच करते हैं और राइट सेंध मारते हैं उनके डेटा, जिससे वो चुरा सकें. राइट. नेक्स्ट वी हैव ग्रे हेड्स हैकर. ग्रे हेड्स रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ हैकर्स दैट आर न्यूट्रल. ग्रे हेड्स वो हैकर्स हैं जो न्यूट्रल रहते हैं. दे हैक सिस्टम्स बाय एक्सप्लॉइटिंग इट्स वीकनेसेस. वो क्या करते हैं, सिस्टम को हैक कर लेते हैं, क्योंकि अगर उस सिस्टम में कोई भी लूपहोल होगा, वीकनेस होगा, तो ईजिली उसको हैक कर सकते हैं. बट दे डोंट डू सो फॉर मॉनेटरी और पॉलिटिकल गेन्स. पर वो इसको मॉनेटरी, किसी भी फायदे के लिए, मॉनेटरी पैसे के लिए या किसी पॉलिटिकल गेन के लिए वो ऐसा नहीं करते हैं. द ग्रे हेड्स टेक सिस्टम सिक्योरिटी एज अ चैलेंज. वो चैलेंज की वजह से सिस्टम को हैक करते हैं. ओके.
एंड जस्ट हैक सिस्टम फॉर द फन ऑफ इट. और वो ये दिखाते हैं कि उनके पास कितनी नॉलेज है कि वो इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं. फाइन, या फिर वो ये दिखाने के लिए कि आपका सिस्टम वीक है, इसके अंदर लूप होल्स हैं, वीकनेसेस हैं, इस वजह से भी वो सिस्टम को हैक कर सकते हैं. फाइन, Now we have the antivirus. Antivirus is a software also known as anti-malware. Antivirus वो software होता है जिसको आप anti-malware भी कहते हैं, जो virus के against work करता है, malware के against work करता है. Fine. Initially antivirus software was developed to detect and remove viruses only. जब सबसे पहले antivirus software develop किया गया था तो वो virus को detect करने के लिए और virus को remove करने के लिए किया गया था. And hence the name antivirus. इसलिए ही इसका नाम antivirus है, जो वायरस के अगेंस्ट है. ओके, हाउएवर विद द टाइम इट हैज इवॉल्वड एंड नाउ कम्स बंडल्ड विद द प्रिवेंशन. लेकिन टाइम के साथ इसमें डेवलपमेंट किया गया है और अब ये कैसे आता है, विद द प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइड रेंज ऑफ मालवेयर. अभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर को प्रिवेंट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, उनको कंप्लीटली रिमूव कर सकता है. ओके, नाउ मेथड्स ऑफ मालवेयर आइडेंटिफिकेशन यूज बाय एंटीवायरस. तो यहाँ पे हम वो मेथड्स देखेंगे जिसकी हेल्प से एंटीवायरस मालवेयर को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है. फर्स्ट आपका मेथड क्या है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन. सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन. ओके, इन दिस मेथड एन एंटीवायरस वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ सिग्नेचर डेटाबेस नोन एज वायरस डेफिनेशन फाइल. तो यहाँ पे एंटीवायरस किसकी हेल्प से वर्क करता है, VDF, वायरस डेफिनेशन फाइल की हेल्प से वर्क करता है. ये वो फाइल है जिसके अंदर वायरस का डेटाबेस होता है. सिग्नेचर डेटाबेस मींस वायरस की करेक्टरिस्टिक्स का डेटाबेस होता है. फाइन, दिस फाइल कंसिस्ट ऑफ वायरस सिग्नेचर्स. इसके अंदर वायरस के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड इज अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली ऑन अ रियल टाइम बेसिस. ओके, और इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है. फाइन, दिस मेक्स द रेगुलर अपडेट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अ मस्ट. यहाँ पे इस टाइप के अगर आप इस तरीके अगर एंटीवायरस इस मेथड का यूज कर रहा है तो एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस अलग अलग मॉडिफिकेशन के साथ आते जाते हैं. फाइन, अगर वायरस ये VDF की हेल्प से काम कर रहा है, VDF के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे सिर्फ उनको ही ये फॉलो करेगा. अगर मान लो न्यू करेक्टरिस्टिक्स आ गई तो ये वर्क नहीं करेगा. राइट, इफ देयर इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद द आउटडेटेड VDF, वही पॉइंट, सेम पॉइंट ही बता रहा है कि अगर कोई ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसके पास आउटडेटेड फाइल है, इट इज अ गुड एज हैविंग नो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल. तो ऐसा एंटीवायरस होने से अच्छा है कि एंटीवायरस ना ही हो, एज द न्यू मालवेयर विल इन्फेक्ट द सिस्टम विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड. जिससे क्या होगा, अगर कोई ऐसा एंटीवायरस है जिसकी VDF फाइल आउटडेटेड है, पुरानी करेक्टरिस्टिक्स है वायरस की, नई करेक्टरिस्टिक्स अपडेट नहीं हुई है, तो नया मालवेयर आ जाएगा और आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा. दिस मेथड ऑल्सो फेल्स टू डिटेक्ट मालवेयर डेट हैज एन एबिलिटी टू चेंज इट्स सिग्नेचर. यहाँ पे ये जो एंटीवायरस है वो क्या है, यहाँ पे इनएबिलिटी अपनी शो करता है जहाँ पे क्या है, ऐसा मालवेयर आ जाए जो पॉलीमॉर्फिक है. पॉलीमॉर्फिक क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अकर करता है. And the malware that has some portion of its code encrypted, या ऐसा malware आ जाए जो अपने code को encrypt कर लेता है, different form में ले आता है, तो क्या होगा, उसकी जो VDF फाइल है उसको पहचान ही नहीं पाएगी. अगर अलग form में आ रहा है, अलग encrypted form में आ रहा है तो ये virus, तो यहाँ पे antivirus उसे पहचान ही नहीं पाएगा. Right, तो इस sense में भी ये useful नहीं रहेगा. Okay, नेक्स्ट मेथड इज सेंड बॉक्स डिटेक्शन. इन दिस मेथड अ न्यू एप्लीकेशन और फाइल इज एग्जीक्यूटेड इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी अगर आप न्यू फाइल या एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. एंड इट्स बिहेवियरल फिंगरप्रिंट इज ऑब्जर्व फॉर अ पॉसिबल मालवेयर. और वहाँ पे उसका बिहेवियर नोटिस किया जाता है कि ये मालवेयर है या फिर ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है या फाइल है. ओके, Depending on its behavior, the antivirus engine determines if it is a potential threat or not and proceeds accordingly. फाइल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जो भी फाइल आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट, या जो भी एप्लीकेशन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग एंटीवायरस ये डिटरमाइन करता है कि ये जो फाइल है वो ऑथेंटिकेटेड फाइल है या कोई थ्रेट है. ओके, और उसके बाद ही वो आगे की अपनी प्रोसीडिंग करता है. फाइन,
ऑल्दो दिस मेथड इज अ लिटिल स्लो, हालांकि ये मेथड थोड़ा स्लो है, इट इज वेरी सेफ एज द न्यू अननोन एप्लीकेशन इज नॉट गिवन एक्सेस टू द एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम. लेकिन ये बहुत सेफ है क्योंकि यहाँ पर न्यू जो एप्लीकेशन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, एक वर्चुअल एनवायरमेंट में एग्जीक्यूट हो रही है, राइट, उसको एक्चुअल रिसोर्सेज सिस्टम के नहीं दिए जा रहे हैं, उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है. सबसे पहले उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है जहाँ पे एंटीवायरस क्या करता है, उसका बिहेवियर नोटिस करता है कि उसका बिहेवियर सही है या नहीं है. अगर उसका बिहेवियर सही नहीं है, वो उसको एज अ थ्रेट कंसीडर करता है और उसको वहीं पर ही रोक देगा, राइट. और अगर उसका बिहेवियर सही है तो वो उसको एज अ ऑथेंटिकेटेड फाइल उसको कंसीडर कर देगा, फाइन. Now, next is data mining techniques. This method employs various data mining and machine learning techniques. तो ये method क्या करता है, बहुत सारे data mining techniques को employ करता है, machine learning techniques को ये use करता है. Data mining क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा data क्या किया जाता है, analyze किया जाता है, जिससे कि उससे एक new information create हो सके, राइट, टू क्लासीफाई द बिहेवियर ऑफ द फाइल एज ऑथेंटिकेटेड और मेलिशियस. तो यहाँ पे जो एंटीवायरस है क्या कर रहा है, वो डेटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज कर रहा है, फाइन, डेटा बेसिस का यूज कर रहा है ये फाइंड करने के लिए कि जो भी फाइल आप यूज कर रहे हो उसका बिहेवियर सही है या मेलिशियस है, राइट. तो यहाँ पे डेटा माइनिंग टेक्निक्स में क्या है, वो डेटाबेस जो कि कलेक्ट किया गया था डेटा माइनिंग के द्वारा या मशीन लर्निंग टेक्निक्स के द्वारा, उसका उसकी हेल्प ली जा रही है, राइट, फाइल के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ऑथेंटिकेटेड है या मेलिशियस है, राइट. नेक्स्ट वी हैव ह्यूरिस्टिक्स. ऑफन अ मालवेयर इन्फेक्शन फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मालवेयर होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं. हियर द सोर्स कोड ऑफ द सस्पेक्टेड प्रोग्राम इज कम्पेयर टू द वायरसेस दैट आर ऑलरेडी नोन. तो किसी भी फाइल का या एप्लीकेशन के सोर्स कोड को एंटीवायरस क्या करता है, वायरसेस के सोर्स कोड के साथ कंपेयर करता है, राइट, एंड आर इन द ह्यूरिस्टिक डेटाबेस. तो यहाँ पे क्या है, ह्यूरिस्टिक डेटाबेस क्या है, प्रीवियस डेटाबेस जो वायरसेस के क्रेटेसिस का बनाया जाता है, राइट. एंटीवायरस क्या करता है कि जो भी फाइल या एप्लीकेशन वो स्कैन कर रहा है, राइट, उसको क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कंपेयर करेगा. इफ द मेजोरिटी ऑफ द सोर्स कोड मैचेस, अगर उस पर्टिकुलर फाइल का सोर्स कोड मैच कर जाता है वायरस के डेटा सोर्स को वायरस के सोर्स कोड के साथ, ओके, विद एनी कोड इन द ह्यूरिस्टिक डेटाबेस. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर जो भी फाइल वो स्कैन कर रहा है या एप्लीकेशन स्कैन कर रहा है उसका सोर्स कोड ह्यूरिस्टिक डेटाबेस के किसी भी सोर्स कोड से मिल जाता है, मैच कर जाता है, द कोड इज फ्लैग्ड एज पॉसिबल थ्रेट. तो उस पर्टिकुलर फाइल को, उस पर्टिकुलर कोड को थ्रेट कंसीडर कर दिया जाता है, फाइन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रियल टाइम प्रोटेक्शन. ओके, सम मालवेयर रिमेंस डोरमेंट और गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर सम टाइम. तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव पड़े रहते हैं आपके सिस्टम पर, वो तभी एक्टिवेट होंगे जब कुछ एक्टिविटी होगी या कुछ टाइम बाद वो एक्टिवेट होंगे. सच मालवेयर नीड्स टू बी चेक्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस. ऐसे मालवेयर को रियल टाइम, मतलब टाइम टू टाइम चेक करना बहुत जरूरी है. इन दिस टेक्निक द एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर कीप्स रनिंग इन द बैकग्राउंड. तो यहाँ पे एंटी मालवेयर जो एंटीवायरस होता है वो क्या करता है, आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एन एप्लीकेशन और फाइल फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी. और आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी फाइल ओपन कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हो उसकी एक्टिविटीज को ये क्या करता है, जज करता रहता है व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, राइट. जब भी आप फाइल पर वर्क कर रहे हो, कोई भी फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो ये क्या करता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है, उसके बिहेवियर को नोटिस करता रहता है. That is when it resides in the active main memory of the computer system. ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का एंटीवायरस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करता है. और जब आपका सिस्टम कोई भी काम कर रहा है, बैकग्राउंड में वो चलता रहता है और उस पर्टिकुलर काम को वो देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है. ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स. सो फर्स्ट वी हैव द डेनियल ऑफ सर्विस, राइट. डेनियल ऑफ सर्विस और DOS इज अ सिनेरियो वेयर इन एन अटैकर लिमिट्स और स्टॉप्स एन ऑथोराइज्ड यूजर टू एक्सेस सर्विस डिवाइस और एनी सच रिसोर्स बाय ओवरलोडिंग दैट रिसोर्स विद इल लेजिटिमेट रिक्वेस्ट. तो यहाँ पर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, जब अटैकर किसी भी वेब रिसोर्स को, राइट, यूजर को यूज करने से रोकता है, लाइक यहाँ पे क्या है, ऑथोराइज यूजर को एक्सेस करने से रोकता है कोई
भी सर्विस या डिवाइस या कोई भी रिसोर्स, और वो कैसे रोकता है, बाय ओवरलोडिंग दैट रिसोर्स विद द इललेजिटिमेट रिक्वेस्ट। वो उस रिसोर्स को इलीगल रिक्वेस्ट से भर देता है, उसको ओवरलोड कर देता है, जिससे कि यूजर की जो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट होती है, एक लीगल रिक्वेस्ट होती है, एक जेन्युइन रिक्वेस्ट होती है, वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स तक नहीं पहुंच पाती है। राइट, समटाइम्स क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हो बट आपको सर्वर डाउन आता है, तो समटाइम्स ये क्या हो सकता है, DOS अटैक भी हो सकता है, जहां पे उसका सर्वर डाउन कर दिया गया है बाय सेंडिंग मेनी इलीगल रिक्वेस्ट। राइट, द DOS अफेक्ट फ्लड्स द विक्टिम रिसोर्स विद ट्रैफिक मेकिंग द रिसोर्स अपीयर बिजी। तो यहां पे क्या होता है, जो DOS अटैक क्या करता है, जो रिसोर्स होता है उसका ट्रैफिक फिल कर देता है। ओके, उसको वो ऐसे अटैक करता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट उसके पास जाती है, इलीगल रिक्वेस्ट जाती है, जिससे कि वो जो जेन्युइन अगर यूजर्स को एक्सेस करना चाहता है तो उसको हमेशा रिसोर्स बिजी दिखाई देता है। ओके, इफ अटैकर कैरी आउट अ DOS अटैक ऑन अ वेबसाइट, दे विल फ्लड इट विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क पैकेट्स बाय यूजिंग डिफरेंट IP एड्रेस। तो अगर DOS अटैक किसी वेबसाइट पे होता है तो कैसे होता है, उस वेबसाइट के पास बहुत सारे नेटवर्क पैकेट्स, बहुत सारे मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंड किए जाते हैं डिफरेंट IP एड्रेस से। This way the web server would be overloaded, जिससे क्या होता है, web server बहुत ज़्यादा overload हो जाता है and will not be able to provide service to a legitimate user, और वो एक genuine user को, एक legitimate user को अपनी service provide नहीं कर पाता। The users will think that the website is not working, causing damage to the victim's organization, और user क्या सोचते हैं, ये पर्टिकुलर वेबसाइट वर्क नहीं करती। इससे क्या होता है, जिसकी वेबसाइट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो वेबसाइट है, उसको काफ़ी डैमेज होता है। ओके, सेम वे DOS अटैक कैन बी डन ऑन रिसोर्सेज लाइक ईमेल सर्वर्स, एज सेम तरीके से DOS अटैक कहाँ हो सकता है, ईमेल सर्वर्स पे किया जा सकता है, नेटवर्क स्टोरेज पे किया जा सकता है, डिसरप्टिंग कनेक्शन बिटवीन टू मशीन्स, दो मशीन्स के बीच के कनेक्शंस को ओवरलोड किया जा सकता है, डिसरप्टिंग द स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की सेंडिंग और रिसीविंग को इससे इफेक्ट किया जा सकता है। राइट, ओके, अ वेरियंट ऑफ DOS नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस DDoS is an attack where the flooded requests come from compromised computer zombie system distributed across the globe or over a very large area. तो यहाँ पे हमारे पास DOS का एक variant भी है, एक और type है जिसको बोलते हैं distributed denial of service. ओके, ये एक ऐसा अटैक है जहाँ पे वेयर द फ्लडेड रिक्वेस्ट, जहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, फ्लड मतलब उसका पूरा बाढ़ आ जाती है रिक्वेस्ट की, फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स जो क्या जॉम्बीज बन चुके हैं, जो जिनका काम यही है कि वो इस टाइप की फेक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब और ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, तो ये कहाँ से आती है, पूरे वर्ल्ड में से ये जो अटैक किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विसेज अटैक, तो एक साथ वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया से, राइट, डिफरेंट IP एड्रेस से फ्लड ऑफ रिक्वेस्ट आती है एक पर्टिकुलर वेब सर्वर के लिए या पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट के लिए, उसको ओवरलोड करने के लिए। ओके, The attacker installs a malicious software known as bot on the zombie machines. Attacker क्या करते हैं, एक malicious software जिसका नाम bot है, उसको zombie machine, इनको zombie machines क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये as a zombie work कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, to send the flood of the request, right? Which gives it control over these machines. तो bot इन zombie machines को control करता है, okay, and अपने instructions इन पे implement करता है. Depending upon the requirement and the availability, the attacker activates a network of these zombie computers known as botnet to carry out the DDoS attack. मतलब distributed denial of service attack. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अटैकर क्या करता है, इस नेटवर्क को एक्टिवेट कर देता है, जॉम्बी कंप्यूटर्स के नेटवर्क को एक्टिवेट कर देता है, जिसको क्या कहा जाता है, बॉटनेट नेटवर्क। ओके, और ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक करता है, राइट, जहाँ पे ये क्या करते हैं, एक साथ पूरे एक नेटवर्क को अटैक करते हैं। फाइन, नाउ व्हाइल एज अ सिंपल DOS अटैक मे बी countered by blocking requests or network packets from a single source. अगर simple denial of service attack हो रहा है, ठीक है, उसको counter किया जा सकता है by blocking the request, जो भी फालतू की requests आ रही हैं उनको block करके, या फिर एक जो particular source से जो network packets आ रहे हैं उनको block करके। DDoS is very difficult to resolve as the attack is carried from multiple distributed location. लेकिन जो DDoS है,
ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये क्या करता है, मल्टीपल लोकेशन से एक साथ अटैक करता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इंट्रूशन प्रॉब्लम। इंट्रूशन क्या होता है, घुसपैठ करना, राइट। नेटवर्क इंट्रूशन रेफर्स टू एनी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क इंट्रूशन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड वे में घुसकर, मींस घुसपैठ करके बिना बताए नेटवर्क में घुसकर अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज करना, इलीगल एक्टिविटीज करना, राइट। दीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द नेटवर्क रिसोर्सेज। तो यहाँ पे इंट्रूशन करके क्या किया जाता है, नेटवर्क की रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क एंड द डेटा। और नेटवर्क में जो भी डेटा अवेलेबल है उसको वहां से स्टील किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, ओके। तो यहां पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, ओके। नेटवर्क इंट्रूशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। नेटवर्क इंट्रूशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, एंड द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू डिवाइस स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंट वेरी सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क। तो यहाँ पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है कि वो ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करे जिससे कि नेटवर्क की सिक्योरिटी मजबूत हो और नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। सो हियर वी हैव इंट्रूशन अटैक्स, राइट। तो इंट्रूशन अटैक्स यहाँ पे बताए गए हैं कुछ टाइप के। एसिमेट्रिक राउटिंग, द अटैकर टेंड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सेंडिंग द इंट्रूशन पैकेट्स टू मल्टीपल पाथ, देयर बाय बाईपासिंग द नेटवर्क इंट्रूशन सेंसर्स। तो नेटवर्क के जो इंट्रूशन सेंसर्स होते हैं उनको बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे, यहाँ पे अटैकर क्या करता है, मल्टीपल पास के थ्रू इंट्रूशन पैकेट को सेंड करता है, जो क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं नेटवर्क के अंदर। तो नेटवर्क को पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से उसके सेंसर्स इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पास के थ्रू इंट्रूशन किया जा रहा है, फाइन, ओके। नाउ बफर ओवरफ्लो अटैक, इसके बफर क्या होता है, जहाँ पे जो मेमोरी का वो पार्ट जहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा जाके स्टोर होता है, ठीक है। इन दिस अटैक द अटैकर ओवरराइड सर्टेन मेमोरी एरियाज ऑफ द कंप्यूटर्स विद इन द नेटवर्क, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इस अटैक के अंदर अटैकर क्या करते हैं, वो कंप्यूटर्स जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनकी उनके बफर में कुछ कोड्स को, कुछ सेट ऑफ कमांड्स को सेट कर देता है, ठीक है। और वो कमांड कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब बफर ओवरफ्लो होता है, बफर में कुछ डेटा आता है, जब बफर में डेटा आता है तो सेट ऑफ कमांड्स जो पहले से उसके अंदर थे वो एग्जीक्यूट कर जाते हैं। और जैसे ही वो मैलिशियस कोड जो पहले से ही बफर के अंदर था एग्जीक्यूट होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है जो सिस्टम को कंट्रोल में ले लेता है, नेटवर्क जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ सिस्टम है, कंप्यूटर से डिवाइस है, उनको अपने अंडर ले लेता है, राइट। नाउ ट्रैफिक फ्लडिंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्राइवियल मेथड्स ऑफ नेटवर्क इंट्रूशन। इट इन्वॉल्व फ्लडिंग द नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम विद मैसेज पैकेट्स। ये एसिमेट्रिक राउटिंग की तरह ही है कि इसमें क्या है, यहाँ पे नेटवर्क इंट्रूशन कैसे हो रही है, नेटवर्क जो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है जो इंट्रूशन को डिटेक्ट कर रहा है उसको बहुत सारे मैसेजेस से फ्लड कर, मतलब उस फ्लड ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज की बाढ़ आ जाती है, जैसे मल्टीपल मैसेज से उसको घेर लिया, राइट। तो वो क्या होगा, एक साथ इतने सारे मैसेजेस उसके पास जाएंगे तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दिस ह्यूज लोड लीव्स द नेटवर्क डिटेक्शन सिस्टम इनकैपेबल ऑफ मॉनिटरिंग द पैकेट्स एडिक्युएटली। जब उसके जब नेटवर्क इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर ओवरलोड हो जाता है मैसेजेस का, तो वो इनकैपेबल हो जाता है मॉनिटर करने में कि पैकेट्स जेन्युइन पैकेट्स हैं या नहीं है। द हैकर टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस कंजेस्टेड एंड चॉयस्टिक नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या करता है, इस कंजेस्टेड और चैरिस्टिक नेटवर्क एनवायरनमेंट का फायदा उठाता है और सिस्टम को अपने अंडर ले लेता है, सिस्टम और नेट, या फिर आप कह सकते हैं नेटवर्क को वो करप्ट कर देता है, फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव स्नूपिंग, ओके। Snooping means secretly listening to a conversation in this context of networking. It refers to the process of secret capture and analysis of network traffic. तो snooping क्या होता है, चुपचाप किसी की बातें सुनना, ओके। अगर हम इसको नेटवर्किंग के कंटेक्स्ट से देखें तो ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। तो जो नेटवर्क ट्रैफिक है, जो नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा है, तो स्नूपिंग क्या है, उसको सीक्रेटली कैप्चर करना और उसको एनालाइज करना, फाइन। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और यूटिलिटी डैट हैज़ अ नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी। स्नूपिंग क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक यूटिलिटी है जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने की, ठीक है। वो अच्छे से नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है, राइट। मॉनिटर मतलब उसको कंप्लीटली वो चेक कर सकता है, देख सकता है।
In this attack, the hacker taps or listen to a channel of communication by picking all of the traffic passing through it. इस अटैक के अंदर हैकर क्या करता है, जितना भी चैनल से डाटा जा रहा है उसको टैप्स करता है, लिसन करता है, उसको चुपचाप वो सुन सकता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको वो क्या कर सकता है, वहाँ से उठा के उसको आराम से सुन सकता है, उसको टैप कर सकता है. ओके, वंस द नेटवर्क पैकेट्स आर एनालाइज्ड बाय स्नूपिंग डिवाइस और सॉफ्टवेयर, इट रिप्रोड्यूस द एग्जिट ट्रैफिक पैकेट्स एंड प्लेस देम बैक इन द चैनल एज इफ नथिंग हैज हैपेंड. और इसमें क्या क्वालिटी है, ये जो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, चाहे वो वॉइस मैसेजेस थे या कुछ भी था, उस डेटा को इसने क्या किया, उसे पिक किया, उसको आराम से उसने एनालाइज किया, सुना, मॉनिटर किया, उसके बाद ये क्या करता है, सेम टू सेम डेटा ये क्रिएट करके सेम चैनल पर छोड़ देता है, ठीक है, इससे क्या लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है. ओके, सो इफ द डेटा डैट इज बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क इज नॉट एनक्रिप्टेड, तो अगर आप नेटवर्क के थ्रू जो डेटा जा रहा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, इट वल्नरेबल टू स्नूपिंग, तो आराम से स्नूपिंग हो सकती है, आराम से उसको पिक किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, उसका कोई भी यूज किया जा सकता है, एंड इवेंचुअली मे कॉज सीरियस डैमेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन लीक. तो यहाँ पे स्नूपिंग ये नहीं है कि हमेशा अच्छी हो सकती है, हो सकता है इसको गलत काम के लिए भी यूज किया जाए, राइट, तो इससे आपको इससे डैमेज भी हो सकता है, इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है. हाउएवर स्नूपिंग इज नॉट ऑलवेज एन अटैक, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्नूपिंग हमेशा अटैक नहीं होता, एट टाइम्स इट इज आल्सो यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर ट्रबल शूटिंग वेरियस नेटवर्क इश्यूज. समटाइम्स स्नूपिंग को ट्रबल शूटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, मान लो नेटवर्क कहीं से ब्रेक हो गया है तो वहां पे क्या होगा, स्नूपिंग की हेल्प से उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है, जो भी ट्रैफिक था, जो भी डेटा था, उसको रीजनरेट किया जा सकता है. ओके, स्नूपिंग इज ऑल्सो नोन एज स्निफिंग, स्नूपिंग को स्निफिंग भी कहा जाता है. वेरियस स्नूपिंग सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट डेट एक्ट एज नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजर, तो बहुत सारे स्नूपिंग सॉफ्टवेयर भी हैं जो एज अ नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजर वर्क करते हैं. फाइन, नाउ वी हैव ईज ड्रॉपिंग. अनलाइक स्नूपिंग वेयर द नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी स्टोर फॉर लेटर एनालिसिस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जहाँ पे स्नूपिंग में क्या करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को आप लेटर यूज के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, जो भी ट्रैफिक है उसकी आप कॉपी बना के अपने पास रख सकते हैं. ओके, इफ ड्रॉपिंग इज एन अनऑथोराइज रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ द प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज ओवर अ नेटवर्क, तो यहाँ पे इफ ड्रॉपिंग क्या है, एक अनऑथोराइज मतलब जो ऑथोराइज नहीं है रियल टाइम इंटरसेप्शन. रियल टाइम मीन जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, रियल टाइम एट द सेम टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, तो यहां पे क्या है, अनऑथोराइज रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ द प्राइवेट कम्युनिकेशन. अगर दो लोगों के बीच में एक प्राइवेट कम्युनिकेशन हो रही है, उसी टाइम पर उस कन्वर्सेशन को, उस कम्युनिकेशन को ट्रैप करना, ठीक है, उसको मॉनिटर करना, ये क्या है, ईवड्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है. और ईवड्रॉपिंग यहां पे क्या है, एक अनऑथोराइज्ड एक्ट है, यहां पे परमिशन नहीं ली जा रही है इसको करने की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनऑथोराइज्ड. ओके, Also the targets are usually the private communication channels like phone calls, instant messages, video conference, fax transmission, etc. तो यहाँ पे जो target क्या है वो private communication है, right? Private communication channels हैं, जैसे कि phone calls को record करना, not record करना, same time पे सुनना, ठीक है, messages को same time पर intercept करना, video conference को same time पर monitor करना, fax transmission को same time पर steal करना, right? तो ये क्या है आपका, eavesdropping है, जो उसी time किया जा रहा है जिस time पे वो चीज़ें हो रही हैं. ओके, नो, इन ओल्डर डेज ईव ड्रॉपिंग वॉज परफॉर्म ऑन द कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन्स एंड वॉज नोन एज वायर टेपिंग. पहले ईव ड्रॉपिंग कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन्स पे की जाती थी, जो टेलीफोन लाइन्स हुआ करती थी उन पे की जाती थी, और उस टाइम इसको वायर टेपिंग कहा जाता था, ठीक है. डिजिटल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स एंड सेल फोन्स डेट हैव बिल्ट इन माइक्रोफोन्स और कैमरा कैन बी इजली हैक्ड एंड ईव ड्रॉपिंग यूजिंग रूट किट मालवेयर, राइट. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपके लैपटॉप्स हैं, सेलफोन्स हैं, उनको जिनके अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन्स हैं, कैमरास हैं, उनको ईजिली हैक किया जा सकता है, राइट, हैक किया जा सकता है, उनका डेटा स्टील किया जा सकता है, राइट. अगर आप ऑनलाइन कुछ भी एक्टिविटी करें उसको भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसको भी एट द सेम टाइम मॉनिटर किया जा सकता है, फाइन. तो ये किसकी हेल्प से किया जाएगा, रूट किट मालवेयर की हेल्प से, फाइन. If ड्रॉपिंग is different from snooping, ये हमें पता है, if ड्रॉपिंग different है. Snooping क्या होता है, डेटा को स्टोर करके एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन if ड्रॉपिंग क्या होता है, रियल टाइम में किया जाता है, जिस टाइम पे वो चीज़ें हो रही होती हैं उस टाइम पे किया जाता है. देखो,
while the former happens in real time, former means यहाँ पे eavesdropping, while the former happens in real time, the latter does not. तो eavesdropping real time में होती है और snooping real time में नहीं होती. As an example, in eavesdropping, imagine someone listening to your private conversation with the help of hidden microphone in your room. Eavesdropping क्या, जैसे मान लो कोई आपकी कन्वर्सेशन को सुन रहा है, किसकी हेल्प से, हिडन माइक्रोफोन की हेल्प से जो आपके रूम में लगा हुआ है. तो जब आप बात कर रहे हो तभी वो सुन रहा है, ठीक है, और फिजिकली स्टैंडिंग नियर द विंडो ऑफ योर रूम, या फिर कोई आपकी विंडो के बाहर खड़ा है और जो भी आप बोल रहे हो वो सुन रहा है. तो ये क्या हो गया, ईस्टॉपिंग हो गया. However, in snooping, that person may make a copy of a letter that is addressed to your friend. देखिए snooping में क्या है, ठीक है, क्या है, कोई भी person आपके letter की copy बना सकता है जो आपके friend के लिए है, and keep that copy with himself, और वो copy अपने पास रख सकता है, and send the original letter to the intended address. मान लो आपने अपने friend को कोई letter लिखा, right? रास्ते में से उसको capture कर लिया गया, ठीक है, कैप्चर करने के बाद उसकी कॉपी क्रिएट कर ली, कॉपी जो स्नूपिंग कर रहा है उसने अपने पास रख ली, और रियल जो मैसेज था वो भेज दिया फ्रेंड के पास. तो इससे पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी है. तो ये चीज़ क्या हो गई, स्नूपिंग. ईवडॉपिंग क्या होता है, जो रियल टाइम पे होता है, जो एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन या एट द टाइम ऑफ सेंडिंग एनीथिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.